जानता हूँ ये तुम्हारी कोई पहली वीडियो नहीं है गलत आदत को छुड़ाने के ऊपर, और ना ही आखिरी। लेकिन इतनी वीडियो देखने और समझने के बाद जो एक छोटी सी चीज, छोटी सी बात हम सब, आप सब मिस कर देते हैं, जिसे अगर आप समझ गए तो पूरी लाइफ बदल सकते हैं। और शायद इसके बाद फिर किसी और फालतू मोटिवेशन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और गंदी आदत के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हर रोज बस एक ही वीडियो सर्च करते हो, देखते हो कि गंदी आदत कैसे छोड़े, कैसे अपनी इस लत को दूर करें। तुम वीडियो देखते हो, मैं किताबों की कहता हूँ तुम वो भी पढ़ते हो, तुम हर तरीके की वीडियो देखते हो जिससे ये बुरी आदत छूट जाए और तुम अपने ऊंचे और बेहतर काम कर पाओ। और वीडियो देखने के बाद या वो किताब पढ़ने के बाद जो मैं या कोई और तुमसे कहता है, वो सब देखने के बाद तुम जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये है कि तुम पढ़ने और वीडियो देखने के बाद इस बात का इंतजार करते हो कि मेरा दिमाग अब सही चलेगा, अभी समझ चुका है कि इसे क्या करना है, और बैठकर नजारा देखते हो और देखते देखते ये फोन भी खुद उठा लेता है, सब काम करता है और फिर डोपामिन के लिए तुम्हें पॉर्न पर भी ले जाता है, और तुम्हें सब होने के बाद अफसोस होता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बचाओ मुझे, मुझे तो जरूरी काम करना है, किताब पढ़नी है, खेलना है, सिंगिंग करनी थी, स्टडी करनी थी, वो काम करना था जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन ये सब जानते हुए भी तुम अपने आप को वहाँ से हटा नहीं पाते, उस आदत से उठ नहीं पाते, और पता होते हुए भी उसमें डूबते रहते हो। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम जब खुद के ऊपर, खुद के मन के ऊपर, खुद के दिमाग के ऊपर इतना भरोसा कर लेते हो, यही हमारी और मेरी सबसे बड़ी गलती है। हम लोग न जाने किस उम्मीद में बैठे हैं कि अब तो सब सुन लिया है हमने, आचार्य प्रशांत जी को सुन लिया है, पवन भाई की वीडियो देख ली है, अब तो ये दिमाग हमें सही चीज की ओर ले जाएगा। नहीं, सही चीज के पास ये शरीर पहुंचता नहीं, हमें खुद पहुंचना पड़ता है। दोबारा सुन लो, ध्यान नहीं दे रहे हो ना मेरी बात पर, इधर उधर मत देखो, मेरी वीडियो के नीचे और जो वीडियो आ रही है उन्हें स्क्रॉल मत करो, ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूँ, सही चीज के पास हम अपने आप नहीं पहुंचते, हमें खुद पहुंचना पड़ता है। फिर चाहे तुम कितनी किताब पढ़ लो, कितने ही ज्ञानी सही, शरीर खुद कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। अब सवाल हो सकता है कि पवन भाई ये शरीर क्यों नहीं जाता सही चीज की तरफ, तो जवाब है कि भाई उसके पास अपने काम है, उसे काम जन्म से ही प्रकृति ने दे रखे हैं, वो अपना काम ईमानदारी से करता है, एक दिन भी भूलता नहीं वो। उसके काम है कि अपने लिए खाना ढूंढना, सोने के लिए गुफा और प्रजनन के लिए कोई मादा शरीर। अब हुआ ये है कि इन तीनों चीजों में से उसे दो चीजें तो जन्म से ही मिल गई हैं, यानी आप सबको, खाना और गुफा। गुफा यानी तुम्हारे माँ बाप का घर, जो कि मिल गया है। तो अब बचा एक काम, मादा शरीर ढूंढना, और उसमें वो जी जान लगा ही देता है टेस्टोस्टेरोन का उबाल मारकर। या जब तुम इसे अपना काम नहीं देते तो ये अपना वो बचा हुआ रुका हुआ काम तुम्हें बताने लगता है। इसीलिए शरीर नहीं जाता सही चीज की ओर, क्योंकि प्रकृति में सही चीज और ऊंची चीज, ऊंचा जीवन नाम का कुछ होता ही नहीं। वहाँ ऊंचा जीवन यही होता है कि ज्यादा खाना हो, ज्यादा रहने के लिए बड़ी गुफा हो, और ज्यादा प्रजनन के लिए ज्यादा मादाएं हों। बस प्रकृति में यही सबसे महान जीवन होता है। वरना क्या कभी देखा है तुमने किसी बंदर को स्ट्रेस में कि यार मुक्ति चाहिए मुझे, या 12वीं में नंबर अच्छे नहीं आए, नहीं देखा ना। वहाँ उन्नति माने बस ये तीन काम ही होते हैं, वहाँ यानी कहाँ, प्रकृति में। ज्यादा खाओ और गुफा माने ज्यादा सुख सुविधाओं की चीजें हो, समाज में इज्जत हो, ताकि सब हमें कबीले में झुंड से निकाले ना, और मादा बस। तो तुम्हें क्या लग रहा है उसके इतने काम होते हुए भी तुम उससे ऊंचे काम करने की उम्मीद रखोगे? अगर अब भी रख रहे हो उम्मीद अपने शरीर से कि ये वीडियो देखने के बाद सब ठीक हो जाएगा, जो जीवन चाहता हूँ वो जी पाऊंगा, ऊंचा जीवन, तो भूल जाओ, तुम मूर्ख हो। फिर तुम्हें अपने तीन काम हो जो तुम्हें करने ही करने हैं, ना करे तो लाइफ खराब है, ठीक है। तो तभी तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें आकर कहे कि भाई मेरा एक काम कर दियो, तो सामने तो तुम जैसे तैसे उससे हाँ कर दोगे कि हाँ कर दूंगा, पर क्या अपने उन तीन कामों के सामने तुम उस पड़ोसी के काम को महत्व दोगे? नहीं ना। यही काम हमारा शरीर करता है, वो कभी खुद की मर्जी से वो काम नहीं करेगा। खुद से जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग सकता है कि वो काम नहीं करेगा,
खुद से जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि वो काम नहीं करेगा हमारा। हाँ, पर आप अधूरा समझ रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि शरीर हमारा काम नहीं करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो तुम्हारे अंदर वो केमिकल भी रिलीज करेगा जिससे तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं आएगी कोई काम करने के लिए। मन ही नहीं करेगा वो काम करने के लिए जो वाकई में तुम्हारे लिए सच में जरूरी है। अभी लग रहा होगा कि ओके कोई बात नहीं, मैं अब खुद करवा लूंगा अपना काम इस शरीर से। तो कहने में आसान लग रहा होगा, क्योंकि मेरी बात सुनते वक्त तुम्हारा वही शरीर वही दिमाग तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, इसीलिए तुम ये सब बोल पा रहे हो। लेकिन परसों ही तुम देखोगे कि यही दिमाग यही शरीर आलस देकर हमसे हमारा काम रुकवा रहा है, सैड करवाकर डोपामिन लाइन नीचे गिरवाकर तुमसे बोल रहा होगा कि थोड़ा सोशल मीडिया चला लूं, बाद में कर लूंगा वो काम जो करने हैं। और सच में पता है तुम खुद से ही क्या कहोगे और तुम्हें क्या लगेगा कि ये सब तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि बाद में कर लूंगा। और जब मैं ही खुद से कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सच में ही बाद में कर ही लूंगा। पर यही बात हम भूल जाते हैं कि वो ब्रेन है, वो दिमाग है, अलग अलग दिमाग में केमिकल रिलीज करके हमारा मूड चेंज करता है, और मूड के हिसाब से ही फिर विचार बनते हैं, और विचार ही बाहर कोई कर्म बनकर हमारे सामने आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम सैड हो और आलस महसूस कर रहे हो और दिमाग में तुम डीजे वाले गाने याद कर रहे हो? होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना। कभी होता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अंदर रुलाने वाले केमिकल रिलीज कर रहा हो, तुम्हारे आंसू निकल रहे हो और तुम्हारे मन में पार्टी वाले गाने चल रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि ये दिमाग की गति नहीं है ऐसी। इसलिए जैसे मन में हार्मोन्स और केमिकल उत्सर्जित होंगे वैसे विचार हम करते हैं, और जैसे विचार होंगे वैसे ही बाहर हम काम करते नजर आएंगे। भले ही वो काम छुपके से कर रहे हो या मन में, भले ही वो काम छुपके से सबसे छुप कर कर रहे हो या मन में ही कर रहे हो, पर कर्म होगा जरूर। हम सब सिर्फ केमिकल पर चलने वाले लोग हैं। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है पर सच यही है। तुम सुन रहे हो मेरी बात सुनते वक्त एक अलग केमिकल, जो तुम्हें मेरी बात सच लग रही है उसके लिए एक अलग केमिकल, मोटिवेट हो रहे हो अगर मेरी बात से उसके लिए एक अलग केमिकल, और मैं बोल रहा हूँ बोलते वक्त जो फील करके बोल रहा हूँ उसके लिए एक अलग केमिकल। पर हम सबको क्या लग रहा है कि जो हम फील कर रहे हैं, मैं और तुम जो फील कर रहे हैं वो हमारा है, हम खुद ही फील कर रहे हैं, पर नहीं। और यही फील थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा जब ये वीडियो खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि दिमाग में कोई भी केमिकल स्टेबल नहीं रह सकता। और फिर तुम कहते हो कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है कुछ देर वीडियो देखने के बाद, कुछ दिनों में, पर तुम दिमाग के विज्ञान को नहीं समझते इसलिए ऐसा बोल देते हो, और जिद पर अड़े रहते हो कि पवन भाई कुछ ऐसा बताओ जिससे मोटिवेशन खत्म ही ना हो वीडियो देखने के बाद। तो हंसी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो दिमाग केमिकल रिलीज करके पूरा मूड ही चेंज कर देता है, और जब मूड चेंज हो गया तो अपने जरूरी काम करोगे कैसे? तो यानी आपका शरीर दिमाग खुद सही चीजों की ओर आपको ले जाने वाला नहीं है, चाहे आप कितनी भी चीजें सोच लो। तुम्हें बिना इस दिमाग इस शरीर और शरीर में उड़ते रसायनों की परवाह किए बगैर मन मार कर बस सच को देखते हुए कि जो सही है वो तो करना ही है, उसे कैसे रोक सकते हैं ये सोचते हुए सही काम करते ही रहना, और तुम्हें ही सही की तरफ जाना पड़ेगा। तुम खुद नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर अपने आप नहीं जाएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर ये एक चीज अपने जहन में उतार ली तो फिर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौतम बुद्ध अगर ये सोचते कि मैंने तो इतने साल गुरु से शिक्षा ली है और अपने गुरु के सबसे बेहतरीन शिष्यों में से मैं सबसे ऊपर हूँ, अब मैं जो चीज चाहूँ वो हो जाएगी, तो नहीं होता। उन्होंने जो देखा वो किया, नहीं करते तो वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाते जहाँ वो फंसे हुए थे। कहाँ फंसे हुए थे? उस राज्य में जहाँ उनका कभी मन ही नहीं लगा। उनको भूख थी सत्य की, आनंद की, जानने की, और उन्हें जब भूख लगी तब उन्होंने प्रयत्न किया। राज्य के कामकाज करते हुए भी सत्य में रहे, भूले नहीं कि सही क्या है, और उनके शरीर में भी उतार चढ़ाव आए, पर पता था कि सही की तरफ ये शरीर नहीं जाने वाला,
और जब जंगल में निकल पड़े गौतम बुद्ध तो क्या कभी उनके कांटे नहीं चुभे होंगे? अपनी पत्नी की, अपने बच्चे की याद नहीं आई होगी उन्हें? राज्य की सुख सुविधाएं एक क्षण याद नहीं आई होंगी उन्हें? आई होंगी यार। मूड भी बदला होगा, वापस मुड़ने की भी भावना उठी होगी। इंसान थे, सब हुआ होगा, पर उन्हें जो करना था, जो उन्हें लगा कि मेरे लिए और सबके लिए जरूरी क्या है, वो किया और करते रहे। तो रो लो, झीक लो, कुछ भी कर लो, बस ये बात याद रखना कि मुझे ही करना है। ये शरीर खुद उठकर वो नहीं करने वाला जो सच में मेरे जीवन के लिए बेहतर है। वीडियो की मोटिवेशन थोड़ी देर मुझसे काम करवा सकती है, जो अब मैं वीडियो देख रहा हूँ या कोई भी वीडियो, बस मोटिवेशन एक थोड़ी देर का झोल झमेल है रसायनों का, समझे? कोई बात, कोई किताब हो सकता है थोड़ी देर मुझे भावुक रखकर या अच्छा फील करवा कर मुझे सही चीज की ओर झुका कर रख दे, पर आज नहीं तो कल शरीर में फिर उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। तब फिर मेरा शरीर मुझसे अपने काम थोपेगा, तो तुम्हारा शरीर कभी खुद सही चीज की तरफ नहीं जाएगा, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। खुद के हाथों में डोर थामनी होगी अपने जीवन की, समझे? उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल और दिमाग तक पहुंची होगी। मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।